हेलो माय डियर क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट सो होप आप सभी के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और आपका आईपीओ सी एस का एग्जाम भी बहुत बढ़िया गया होगा क्योंकि आज का जो ये सेशन है इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप सभी के साथ क्लास ट्वेल्थ आईपी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस बुक कोड जीरो के आंसर कीज को यस डियर स्टूडेंट्स आंसर कीज को आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगी जो इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो आपके एग्जाम में जो आप अटैम्प्ट करके आए क्वेश्चन वो आपने कितने सही तरीके से अटैम्प्ट किए या नहीं किए क्योंकि जैसा जो मैंने पढ़ाया बिल्कुल वैसा ही आपका पेपर आया है

कुछ ही बदले जाते हैं बहुत ज्यादा नहीं बदलते हैं है ना सो so, होप आपको इंस्ट्रक्शन uh, जो दी हुई होंगी वो भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी क्योंकि सैंपल पेपर्स में इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ लिया था योर पेपर इज डिवाइडेड इनटू फाइव सेक्शंस ए बी सी डी एंड ई एंड यू नो दिस ए सेक्शन इज ऑफ योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बी सेक्शन जो होगा उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे सी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे और डी और ई e में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे एंड लास्ट सेक्शन इज बेस्ड ऑन केस स्टडी क्वेश्चन राइट सो चलिए स्टार्ट कर ले फर्स्ट सेक्शन के साथ दैट इज सेक्शन ए तो फर्स्ट क्वेश्चन इज जी द डिवाइसेस आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस मैनर मैंने कहा था आपसे छोड़ना टोपोलॉजी का एक क्वेश्चन चाहे में ले, में ले, या में ले. तो देखो आपके सामने टॉपोलॉजी का क्वेश्चन है, है ना कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर को अरेंज किया जाता है नेटवर्क में हेरारिकल ऑर्डर में अब व्हाट इज हेरारिकल ऑर्डर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग इनवर्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर मींस कि एक कंप्यूटर एक होता है जिसे रूट कंप्यूटर रहते फिर इससे फर्दर कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं ठीक है और यहाँ पे फिर ये जो कंप्यूटर्स है वो किसी भी अनदर टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग कनेक्ट हो सकते हैं सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी ओके सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे बी दैट इज ट्री टोपोलॉजी इन विच ऑल द कंप्यूटर्स मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क अरेन्ज इन अरारिकल मैनर अंडरस्टैंड सो ट्री टोपोलॉजी ही टिक करके आए हो जरा जल्दी से मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आंसर्स को भी लिखते चलना सो दैट आई ऑल्सो एनालाइज की यस yes, मेरे स्टूडेंट सही करके आए हैं ओके नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज रिदिमा परचेज लाइसेंस कॉपी ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड मेड एडिशनल कॉपीज विदाउट दी परमिशन ऑफ कॉपी राइट ऑनर रिद्मा क्या परचेज करती है कुछ सॉफ्टवेयर की कॉपीज को कुछ सॉफ्टवेयर को परचेज करती है उनका लाइसेंस परचेज करती है बट कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर है जो बिना परमिशन के उन सॉफ्टवेयर की कॉपीज को कलेक्ट करती है ठीक है दिस एक्ट ऑफ हर्स नोनेस ये एक्ट क्या कहलाएगा सो so, ये मैंने आपको कहा था कि भाई इसके बिना तो पेपर ही नहीं बनेगा इस, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हंड्रेड एंड टेन परसेंट आपसे पूछे ही जाएंगे एक क्वेश्चन जरूर आएगा है ना और सेम क्वेश्चन मैंने आपसे एमसीक्यू में डिस्कस किया था डायरेक्ट क्वेश्चन राइट यदि आपको वर्क करते हो बिना उसको है, बिना उसके के सो किस तरीके का साइबर क्राइम होता है यहाँ पे किस चीज का उल्लंघन हो रहा है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कॉपी राइट इन्फ्रिंचमेंट आइडेंटिटी थे तो यहाँ पर जो उल्लंघन हो रहा है वो किसका उल्लंघन हो रहा है सी दैट इज कॉपी राइट इन्फ्रिंजमेंट मीन्स की रिधि ने कुछ सॉफ्टवेयर्स जिनको कॉपी किया है जिनको यूज किया है वो कॉपीराइटेड राइटेड थे और बिना परमिशन के ऑथर के एक्सेस किया हुआ है ठीक है थर्ड इज व्हाट कैन बी व्हाट कैन एन इंडिविजुअल डू द इनहांस डिजिटली ओके अब इसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में करना है फटाफट से क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है आपसे डेटा सिक्योरिटी के लिए जो डेटा बेसिकली स्टोर करते हो आप ऑनलाइन उसकी प्राइवेसी के लिए आप क्या पॉइंट्स बताओगे कि कैसे आप डेटा को सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो डेटा की प्राइवेसी बढ़ा सकते हो हाउ टू इनहांस इट सो फर्स्ट ऑप्शन इज शेयर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज योर डेटा डेट ऑफ बर्थ एज योर पासवर्ड रेगुलरली अपडेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन योर डिवाइस एंड डाउनलोड एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फॉर अनोन रिसोर्स ओके आंसर क्या होगा जल्दी से आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है बाई डेटा की यदि सिक्योरिटी बनाना है तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है ठीक है यूज योर डेट ऑफ बर्थ कभी भी पासवर्ड में क्या डेट ऑफ बर्थ को सेट करोगे क्या नहीं ना पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यूनिक कैरेक्टर्स का आप उसमें यूज करते हो रेगुलरली अपडेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन योर डिवाइस ये करेक्ट आंसर है जस्ट बिकॉज यहाँ पे हम जो भी सॉफ्टवेयर है उन्हें रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं ताकि डेटा सिक्योर रह सके ओके okay? डेटा की सिक्योरिटी एनहांस हो सके डाउनलोड एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं किसी भी अननोन रिसोर्सेज से किसी भी ऐसी लिंक पर बिल्कुल क्लिक नहीं करना है जिससे आपके कंप्यूटर सिस्टम में हार्म हो सके आपकी सिक्योरिटी ब्रेक हो सके ओके सो करेक्ट आंसर इज थ्री दैट इज रेगुलरली अपडेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन योर डिवाइस यही टिक करके आए होना ओके नाउ व्हाट इज़ द फोर्थ क्वेश्चन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी देखो भाई सेम क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ गया है मॉड फंक्शन पावर फंक्शन दोनों फंक्शन मैंने आपको पढ़ाए थे यहाँ पे इसको नेस्टेड फंक्शन के फॉर्मेट में आपसे पूछ लिया मतलब यदि आपको पावर फंक्शन और मॉड फंक्शन पता है तो आप इसका बिल्कुल सही आंसर टिक करके आए होंगे है ना आपको अच्छे से पता है कि मैम पावर फंक्शन क्या काम करता है पावर फंक्शन मैम पावर कैलकुलेट कर लेता है तो आपने टू टू पावर टू लिखा है इट मीन की क्या कैलकुलेट हो जाएगा फोर कैलकुलेट हो जाएगा और यदि आपको यह चीज पता है कि मॉड क्या करता है मॉड रिटर्न करता है रिमाइंडर मीन्स मैंने यदि यहाँ पे लिखा है नाइन कॉमा टू तो टू नाइन से नाइन टू से डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद में हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा वन तो मॉड फंक्शन और पावर फंक्शन अच्छे से क्लियर है तो अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है इस एमसीक्यू में आपसे क्या पूछा है मॉड और पावर फंक्शन दोनों एक साथ नेस्टेड फॉर्म में लिखा है पावर फंक्शन कॉमा मतलब की पावर आपको कैलकुलेट करनी है और उस पावर को कैसे कैलकुलेट करना है मॉड फंक्शन के थ्रू मॉड फंक्शन में लिखा है सेवनटीन कॉमा थ्री मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज किया है जिसे हम नेस्टेड फंक्शन कहते हैं ओके तो टू की पावर क्या होगी जो कि मॉड का रिमाइंडर रिटर्न होगा तो पहले मॉड कैलकुलेट होगा जब थ्री को 70, 17 को थ्री से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है बचता है, है, तो तो है तो पावर टू हो जाएगी स्टूडेंट्स है जो आंसर फोर टिक करके आए हैं क्योंकि यहां पे बच्चे गड़बड़ करके आए होंगे यदि उन्हें पावर और मॉड फंक्शन के बारे में पता है तो तो वो बिल्कुल सही करके आए होंगे और यदि नहीं पता है तो यहां गड़बड़ करके आएंगे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं भाई वो तो बिल्कुल सही टिक करके आए हैं आई वेरी नो दस थिंग ओके चलो भाई आगे बढ़ जाए तो क्लियर है यहाँ तक एंसर क्यूज नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन क्या कहा था मैंने बिना एग्रीगेट फंक्शन के तो आपका पेपर ही नहीं बनेगा बोला था ना एग्रीगेट फंक्शन के सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आते हैं एग्जाम में वो भी एमसीक्यूज में सेम एमसीक्यू मैंने आपको सॉल्व कराया था बिफोर वन डे ऑफ योर एग्जाम राइट कि कौन सा इनमें से एग्रीगेट फंक्शन नहीं है ये बताना है यदि आपको पांच एग्रीगेट फंक्शन पता है सिर्फ पांच ही थे एग्रीगेट फंक्शन उनका नाम पता है तो ऑब्वियस आप यहां बता दोगे कि कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है तो भाई कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन होते हैं मिन मैक्स सम एवरेज एंड काउंट फाइव आर एग्रीगेट फंक्शन और जितने भी बचे हुए फिर फंक्शन है वो सभी आपके सिंगल रो फंक्शन होते हैं तो यहां देखो एवरेज मैक्स मिन ये तीनों तो तो एग्रीगेट एग्रीगेट फंक्शन फंक्शन है ही एलकेस इज इज नॉट एन सो थर्ड द करेक्ट आंसर लिखकर आए हो ना कॉमेंट सेक्शन में जरा आंसर करते चलो मेरे साथ ओके okay, भर दो कमेंट सेक्शन को इनके आंसर से ओके नाउ डैश इज द गेनिंग ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई अनऑथराइज्ड यूजर यदि डेटा को एक्सेस करता है जिसे परमिशन नहीं होती है तो इससे हम क्या कहते हैं ठीक है ऑप्शन ए है फिशिंग ऑप्शन बी प्लेचरिज्म ऑप्शन सी हैकिंग ऑप्शन डी कॉपीराइट वायलेशन सो भाई बहुत इजी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ लिया है सोसाइटल so इंपैक्ट वाले चैप्टर से आया है क्वेश्चन एज इट इज मैंने भी सॉल्व करवाया था याद है नहीं है याद है ना सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर सी दैट इज हैकिंग हैकिंग का मतलब ही यही होता है कि वो यूजर जिसे परमिशन नहीं है फिर भी वो आपके सिस्टम को अनऑथोराइज वे में बिना परमिशन के गलत तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है आपके डेटा को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील करने की कोशिश कर रहा है सो दिस टाइप ऑफ एक्ट इज नोन एज हैकिंग बाकी फिशिंग प्लेजरिज्म कॉपीराइट वायलेशन ये आपको अच्छे से पता है कॉपीराइट वायलेशन मतलब कि कॉपीराइटेड वर्क को जब आप उससे बिना परमिशन के यूज करते हो तो कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट कॉपीराइट वायलेशन होता है प्लेजरिज्म भी इसी को हम कहते हैं प्लेजरिज्म का मतलब भी यही होता है है ना जी और फिशिंग

ठीक है नॉट ट्रू बताना है नाउ टू सी एसवी कैन बी यूज टू सेव डेटा फ्रेम टू सी एसवी फाइल टू सी एस पी फंक्शन का यूज क्यों करते हो आप एक्सपोर्ट करने के लिए ही करते हो ना मतलब कि डेटा फ्रेम से जो वैल्यू है वो कहां पर चली जाए सीएसवी फाइल में जाके स्टोर हो जाए इसीलिए हम टू एसवी फंक्शन टू सी एस वी फंक्शन का यूज करते हैं सो so, ये भी सीएसवी के अकॉर्डिंग तो ट्रू है हमें नॉट ट्रू बताना है नाउ सीएसवी फाइल इज क्रिएटेड यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर क्या ये ट्रू है सीएसवी फाइल्स को आप वर्ड प्रोसेसर में क्रिएट करते हो या किसी और सॉफ्टवेयर में क्रिएट करते हो तो yes, so, क्रिएट करते हैं ठीक है और फोर्थ इज फाइल का टाइप हो सकता है टाइप ऑफ टेक्स फाइल सो वॉट इज द करेक्ट आंसर सी क्योंकि आपसे पूछा था सीएस फाइल का नॉट ट्रू आंसर और वन टू और फोर्थ तो ट्रू है ना सी एसवी फाइल को डिफाइन कर रहे हैं ठीक है चलो नाउ नेक्स्ट इज एट ज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड जब माइस्क्यूएल पढ़ाया था मैंने तो आपको सारी चीजें स्टार्टिंग से समझाई थी कौन कौन सी कमांड होती है एंड एवरीथिंग

एक क्वेरी का क्वेश्चन जरूर आएगा वो भी कैसा आएगा आपको फंक्शंस के साथ में तो दोनों क्वेरी के क्वेश्चन आपके फंक्शन के साथ में और दोनों फंक्शन एज इट इज जैसे आपको दिख रहे ना एज इट इज मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं एज इट इज मैंने आपको पढ़ाए थे यदि वो सेशन ने, बच्चों ने अटैम्प्ट किया है यदि ये अच्छे से पढ़ा है तो भाई बिल्कुल पेपर फोड़ कर आए होंगे आप लोग बकायदा विल बी ऑफ क्वेरी देखो में किस फंक्शन का जिक्र किया जा रहा है सब फंक्शन का एंड यू नो दिस थिंग चिल्ला चिल्ला के मैंने कहा था सब एस टी आर मेड एन एस टी आर फंक्शन छोड़ना मत इसको अच्छे से पढ़ लेना अच्छे से समझ लेना इसके बिना पेपर नहीं बनता है एग्रीगेट फंक्शन अच्छे से कर लेना इसके बिना आपका पेपर नहीं बनेगा आपके पेपर में छप चुके हैं देख लो पेपर में आए हैं है ना जी तो सब एस्टीआर फंक्शन का क्या काम होता है स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को सर्च करना है जिसमें आप पोजीशन और कितने कैरेक्टर्स आपको एक्सट्रैक्ट करने सब के लिए वो inform करते वो करते हो हो बताते हुँ. तो यहां पे सब क्या, दिया G20, 2023, क्या दिया हुआ है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और आगे लिखा है इंडिया ये बेसिकली क्या है ये हमारी स्ट्रिंग है जिसमें से सब स्ट्रिंग सर्च करना है तो सब एसटीआर फंक्शन को स्ट्रिंग कहां से सर्च करना है फिफ्थ पोजीशन से तो क्या होगी फिफ्थ पोजीशन देखो न टू थ्री इस स्पेस को भी काउंट करोगे फोर एंड दिस इज द फिफ्थ पोजिशन तो फिफ्थ पोजिशन से एक्सट्रैक्ट होंगे कैरेक्टर्स कितने कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करोगे जल्दी बताओ चार कैरेक्टर्स तो चार कैरेक्टर्स क्या हो गए वन टू थ्री फोर ये चार कैरेक्टर फिफ्थ पोजिशन से आपने एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देना है सब एस टी आर फंक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा जो स्ट्रिंग आपको मिलेगी सब स्ट्रिंग वो क्या होगी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अब कितने स्टूडेंट्स है जो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पे टिक करके आए हैं जल्दी जरा कॉमेंट सेक्शन में बता दो 2023 पर आए हो? इस स्पेस स्पेस को तो काउंट नहीं किया। मतलब काउंट होगा ऐसा तो नहीं ना कि स्पेस ना कमेंट सेक्शन में क्योंकि यहां पे स्पेस भी काउंट होगी ठीक है तो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री करेक्ट आंसर जीरो गलत लिखकर आए व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ लुक सी दी पाइथन कोड और पाइथन कोड मैंने कहा था कि सीरीज का ही आपसे पूछेंगे और डेटा फ्रेम भी पूछ सकते हैं बट सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आप तो सीरीज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सो so, देख लो पेपर में आपको सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड इम्पोर्ट किया हुआ है पहले कोड अच्छे से समझना डीडी नाम की एक डेटा डिक्शनरी बना ली ठीक है डी डी नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट किया है अब डिक्शनरी में आपको पता है की वैल्यू पेयर होते है तो भाई देखो वन वन टू टू थ्री एंड सेवन मतलब जो डिक्शनरी क्रिएट की गई है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट की गई है वन टू थ्री एंड फोर सॉरी सेवन ओके ये डिक्शनरी की कीज है और इनकी जो वैल्यूज है वो वन टू थ्री और फोर तो अब इससे हमें क्या करना है ये डी डी नाम की एक डिक्शनरी है जैसे पीडी डॉट सीरीज फंक्शन में पास कर दिया देखो डीडी को पीडी डॉट सीरीज फंक्शन में पास कर दिया है। तो वैल्यू क्या है आपकी uh, सेवन ये बन गई है वैल्यूज क्या ये सीरीज की वैल्यूज बन गई है ठीक है इतना तो हमें अच्छे से समझ में आ गया मैम जो बोला गया था आगे देखो क्या लिखा है आगे लिखा है यहां है मतलब इस सीरीज में यदि आप फोर इंडेक्स को ऐड करते हो और उसकी जो वैल्यू है वो होगी फोर तो फोर इंडेक्स जो है वो कहां ऐड होगा इस सीरीज में फोर इंडेक्स कहां ऐड होगा प्रिंट करवा लिया आपने और सीरीज को तो ऑप्शन ए देखो ऑप्शन ए में वन टू थ्री सेवन है फोर कहीं नहीं दिख रहा है तो फोर तो ऐड हो चुका है ना क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट भी करवाया है फोर को ठीक है हमने पे सीरीज को प्रिंट करवाया है तो ये एलिमेंट एड होगा इसमें तो कहां एड होगा सभी को अच्छे से पता है होगा 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 लास्ट लास्ट में में ठीक है सीरीज के लास्ट में। तो जितने भी नए एलिमेंट आप एड करते जाओगे सब लास्ट में एड होते जाएंगे क्लियर इतना अच्छे से समझ में आ गया तो फर्स्ट में तो फोर दिख ही नहीं रहा है तो फर्स्ट वाला तो आपका क्या हो गया बेटा रॉन्ग आंसर हो गया आगे देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होगा नाउ यहाँ पे देखो

तो यदि आपने सीरीज का प्रैक्टिकल किया है सीरीज़ को ध्यान से समझा तो इसका आंसर भी आप करेक्ट ही टिक करके आएंगे कोई भी स्टूडेंट इसमें गलत तो नहीं करके आएगा कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है बहुत बेसिक बताया था मैंने ये चीज भी कि हमेशा select clause के साथ आप किन किन सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ आप किन किन क्लॉजेस का यूज कर सकते हो इसका क्वेश्चन हर साल पूछते हैं किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो और इस साल भी आपको दिख रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन राइट कहा था मैंने ये चीज सो ऑफ फॉलोइंग क्लॉज कैन नॉट वर्क बस पूछने का थोड़ा सा तरीका इन्होंने बदल दिया अब सीबीएसई कहीं ना कहीं तो बच्चों को घुमाएगी ऑब्वियस सी बात है तो सिलेक्ट क्लॉज के साथ किस स्टेटमेंट का यूज नहीं करते हो अभी तक पूछा जा रहा था सिलेक्ट क्लॉज के साथ किस किस स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं सिलेक्ट कमांड के साथ किसका हम यूज करते हैं यहां पूछ लिया आपसे किसका यूज नहीं करते हैं तो ऑप्शन है फ्रॉम वेयर इंसर्ट इन और ग्रुप बाय तो ऑबियस भाई सिलेक्ट कमांड के साथ आप फ्रॉम का यूज करते हो लिखते हो ना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ने फ्रॉम का यूज करते हैं फिर वही कंडीशन स्पेसिफाई करते हो तो वेयर का यूज भी कर देते हो और जब ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करना है तो वो तो बिना सिलेक्ट स्टेटमेंट के ग्रुप बाय क्लॉज यूज ही नहीं होता है तो ग्रुप बाय क्लॉज में आप सिलेक्ट स्टेटमेंट का एवरेज फंक्शन का यूज करते हो एग्रीगेट फंक्शन का इंसर्ट इनटू कमांड के साथ कभी सिलेक्ट को यूज नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज द डिफरेंट कमांड

क्या पूछो आपसे यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन इनमें से जो कि पहले सीरीज के पांच एलिमेंट को शो नहीं करेगा ये क्वेश्चन मैंने करवाया था बार बार कहा था कि हेड और टेल फंक्शन अच्छे से पढ़ लेना सीरीज का इसका क्वेश्चन आता ही है आपको एनसीक्यूज में भी एनसीक्यू सीरीज में भी मैंने हेटेल के आपको एनसीक्यूज प्रोवाइड किए थे और देखो क्वेश्चन आपके सामने है है या नहीं है है ना तो आपको यहाँ बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा करेक्ट कोड है जिससे कि पांच एलिमेंट शो नहीं होंगे देखो पहला लिखा हुआ है एसवन नाम की सीरीज है जीरो कॉलन फाइव तो अब आप देखो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं स्लाइसिंग का है ना सपोज ये हमारे सीरीज के एलिमेंट सपोज मान के चलो एस वन ये आपकी सीरीज है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ठीक है थेके? यहां मैं टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी और सेवेंटी ये एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे रख दिए हैं ओके अब इनकी जो इंडेक्सिंग होती है सीरीज की वो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ध्यान से समझना और सबसे पहले इस कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ क्योंकि जब मैं आंसर बताऊंगी तो फिर आप क्रॉस चेक करोगे ओके और मुझे भी पता चलेगा कि बच्चे क्या करके आए हैं थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था

एंड तो टेन मिलेगा ट्वेंटी मिलेगा थर्टी मिलेगा 40 मिलेगा फिफ्टी मिलेगा जीरो से लेकर एक्सक्लूड हो जाएगा तो इस स्लाइसिंग की मदद से आपने स्टार्टिंग के पांच एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर लिए दूसरा दिया हुआ है ऑप्शन लिएड तो भाई ये तो करेक्ट आंसर होगा नहीं दूसरा लिखा हुआ एस वन डॉट हेड फंक्शन अब ध्यान से देखो कि जब हेड फंक्शन का काम होता है क्या काम होता है जो भी सीरीज या डेटा फ्रेम है उसके टॉप से एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना बताया था Head function, head मतलब ऊपर ऊपर के से top से एलिमेंट्स को एक्सेस करना अब जब आपने यहाँ पे में कोई भी parameter नहीं किया है तो हेड फंक्शन डिफॉल्ट आपको एलिमेंट को एक्सेस करके देता है क्लियर है ना तो टॉप फाइव एलिमेंट यहां भी मिल जाएंगे आपको यही सेम टॉप फाइव एलिमेंट थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है एस वन डॉट हेड एस वन डॉट हेड फंक्शन में फाइव पास कर दिया है तो ऑब्वियस हेड फंक्शन जो टॉप से फाइव एलिमेंट ये भी रिटर्न करेगा मीन्स आप लिखते हो एस वन फंक्शन और कुछ भी एलिमेंट पास नहीं करते हो तो भी टॉप फाइव एलिमेंट्स मिलेंगे फाइव पास कर दिया तो भी टॉप फाइव एलिमेंट्स मिलेंगे तो यहाँ पे आपको बताना था विल नॉट शो फर्स्ट फाइव एलिमेंट तो ऑब्वियस बचा क्या आपके पास में फोर्थ एस वन दिस इज दी रॉन्ग आंसर ये आपको रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि कभी भी जो हेड फंक्शन है उसमें आप एक ही पैरामीटर पास करोगे वो भी में पहली बात तो यही गलती होगी स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट लगा लगा के देखो लगा हुआ है कभी भी हेड फंक्शन फंक्शन में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता है है ना तो इसमें आपको लगाना होता है पैरेंथिस तो यही आप गलत टिक करके आ सकते थे इसे ठीक है जीरो कॉलन फाइव और हेड फंक्शन में हम कभी भी कॉलन लगा के कोई रेंज स्पेसिफाई नहीं करते हैं यहाँ पे हम क्या स्पेसिफाई करते हैं मैम पैरेंथिस में सिर्फ और सिर्फ जितने नंबर आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं वो

घुमा फिरा के पूछा है मैंने सिंपल सी बात आपको यहाँ पे बताई थी कि जब भी आप इंटरनेट को सर्च करते हो नेट सर्फिंग करते हो तो आपकी कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो इंटरनेट पे स्टोर हो जाती है तो ये क्वेश्चन वही पूछा है आपसे एग्जाम्पल के साथ पूछ लिया है कि रामा वॉज अनेबल टू तो अंडरस्टैंड रामा को नहीं पता चल रहा है कि रिक्यूटर्स के पास उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची है जबकि उसने तो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर शेयर ही नहीं करी थी रिक्यूटर्स के साथ तो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच गई रिक्यूटर्स के पास है ना सो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है किसकी मदद से कार्बन फुटप्रिंट की मदद से ऑनलाइन प्रिंट की मदद से वाटर फुटप्रिंट की मदद से या डिजिटल फुटप्रिंट की मदद से 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 यार ऑप्शन इतने इतने कॉमन है सिली आपको ये अच्छे पता कि डिजिटल फुटप्रिंट ही एक ऐसा वे होता है जिसकी मदद से इंटरनेट पे आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है टू टाइप के डिजिटल फुटप्रिंट पढ़ाई थी मैंने एक्टिव और पैसिव याद है ना इंटेंशनली और अनशनली जो डेटा आपका स्टोर होता है सो so यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्या डिजिटल फुटप्रिंट ओके 14th, यही टिक करके ना, देखो ये क्वेश्चन, के दो से तीन क्वेश्चन अभी के अभी आपके सामने दिख रहे हैं है ना जी सो वे विच माई स्क्यूल स्ट्रिंग फंक्शन इज यूज टू एक्सट्रेक्ट सब स्ट्रिंग ऑप्शन में से बता दो कौन सा एस्कुअल फंक्शन है जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो

ठीक है तो सब स्ट्रिंग इंडेक्स इज नॉट द करेक्ट आंसर देन इज करेक्ट आंसर मैम राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कौन सा आंसर टिक किया हुआ है लेंथ से तो स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी ट्रिम फंक्शन से स्ट्रिंग के आसपास की स्पेस रिमूव हो जाएगी कहा था मैंने बार बार क्या कि सारे फंक्शंस और उनके नाम उनके नाम और उनके काम याद कर लो बस आधा काम आपका वैसे ही बन जाएगा कहा था ना कि फंक्शंस के नाम और उनके काम याद कर लो आधी चीज तो आपकी वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगी पेपर मतलब आधे से ज्यादा तो क्वेश्चन से आपको इसके मिलेंगे इज इज अगेन द रोल ना नाउ मिड फंक्शन टू बार बार मैंने ये चीज कही थी आपसे कि मिड फंक्शन सब एस्टीआर फंक्शन और सब स्ट्रिंग फंक्शन ये तीनों एक ही काम करते हैं ये तीनों एक ही काम करते हैं और सीबीएसई ने इसी पर खेल खेला है

ध्यान से थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो में सब आर हुआ है, ओके? भाई, आंसर इस पेपर में ही था इस क्वेश्चन का तो 15th, the दैट इज फ्री फॉर for anyone एंड its सोर्स कोड इज अवेलेबल फॉर एक्सेस मॉडिफिकेशन करेक्शन and improvement इज कॉल्ड क्या कहा था मैंने कि डिफरेंट टाइप के जो सॉफ्टवेयर से, से पढ़ के जाना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हर साल के पेपर में ये भी पूछते हैं आपसे सो क्वेश्चन इज हियर कि वो सॉफ्टवेयर जो हर किसी के लिए फ्री रहता है जिसका सोर्स कोड भी अवेलेबल हो जाता है जिसकी मदद से आप उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हो कॉपी कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो दिस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एस जल्दी कॉमेंट सेक्शन में बताओ करेक्ट आंसर क्या है प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर कमर्शियल सॉफ्टवेयर फ्री एंड ओबन सो सॉफ्टेयर एंड कॉपी राइट सॉफ्टवेयर तो ऑब्वियस सी बात है वो सॉफ्टवेयर क्या होगा बेटा फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिर्फ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड अवेलेबल करवाता है बाकी प्रोपराइटरी कमर्शियल कॉपीराइटेड शेयरवेयर फ्रीवेयर कोई से ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपको सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल करवाते हैं है ना सो so ऑब्वियस जैसा क्वेश्चन है वैसा ही उसका आंसर है नाउ सिक्सटींथ हेल्प इन डेटा प्रोटेक्शन थ्रू कॉपीराइट पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क कितना सही क्वेश्चन है है ना एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाया एज इट इज कॉपी राइट और पेटेंट और ट्रेडमार्क किस चीज की प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं इसके थ्रू आप क्या प्रोटेक्ट करते हो डेटा प्राइवेसी को या राइट टू इनोवेशन को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या राइट टू डेटा प्रोटेक्शन तो ऑब्वियस सी बात है आईपीआर बोला था मैंने कि आईपीआर के बिना पेपर नहीं बनेगा आएगा पेपर में आईपीआर हंड्रेड एंड टेन परसेंट समझ लो कर लेना देख लो आपके सामने क्वेश्चन है आईपीआर दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो प्रॉपर्टी जो आपकी प्रॉपर्टी जिस पर किसी का हक नहीं है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आप कॉपी राइट ट्रेडमार्क या फिर पैटर्न का यूज करते हैं नाउ विल डिस्कस अबाउट सेवेंटीन क्वेश्चन दैट इज असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन अब ये जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन से आपको अच्छे से पता है असर्शन दिया है रीजन दिया है बताना है कि दोनों ट्रू है या फॉल्स है या दोनों ट्रू है तो कौन सा करेक्ट रीजन है या नहीं है इसका जल्दी से आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ जब तक मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूं, कि आप क्या टिक करके आए हो ओकेशन दिया हुआ है साइबर बुलिंग कैन हैव सीरियस इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन विक्टिम सो मैम ये पढ़ के तो हमें लग रहा है कि हाँ ट्रू है ऑब्वियस ट्रू है ना साइबर बुलिंग क्या है साइबर बुलिंग इज अ टाइप ऑफ अ साइबर क्राइम जिससे जो विक्टिम होता है उसके इमोशंस पर उसके साइकोलॉजिकल और सीरियस ऐसा कुछ इफेक्ट पड़ता है ओके नाउ रीजन क्या दिया क्राइम so, होते हैं ठीक है so, सो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा असरशन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स सो सी इज द करेक्ट आंसर असर इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स ओके आगे बात में बहुत इजी से

डायमेंशन के अकॉर्डिंग रो कॉलम के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हो आप पढ़ लेते हैं रीजन क्या रीजन भी ट्रू दिया है बोथ सीरीज एंड डेटा फ्रेम है डिफॉल्टिमारिक इंडेक्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो अगेन करेक्ट ना कि जो भी सीरीज और डेटा फ्रेम होता है उसमें जो जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स डिफॉल्ट इंडेक्सिंग जो होती 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 है 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 वो से से शुरू शुरू जीरो चाहे फिर हम रो की बात करें कॉलम की बात करें या सीरीज की बात करें तो यहाँ पे पहले भी डेटा फ्रेम सीरीज की बात हो रही थी असर्शन में रीजन में भी इसी की बात हो रही है पहले वाले में असर्शन रीजन असर्शन में दिया हुआ था सीरीज डेटा फ्रेम की डेफिनेशन और दूसरे में उसका रीजन बताया है सो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए दोनों में कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ है और दोनों सेंटेंस ट्रू है ठीक है बहुत ही इजी असर्शन और रीजन आपसे पूछ लिया है मतलब पेपर बहुत इजी है अगर एमसीक्यू वाला पार्ट देखे जितना मैंने अभी तक सॉल्व करवाया है आपको बहुत इजी लेवल पे आपसे पूछा था मींस यदि आपने 50 परसेंट भी पढ़ाई की होगी ना 50 60 परसेंट भी पढ़ाई की होगी तो आप एम सी तो सही सॉल्व करके आए होंगे नाउ ऑन सेक्शन बी सेक्शन अच्छे से समझ में आ गया ना सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चन से देख लो एक्सप्लेन यू आर एल आईडेंटि एक्सपांड यू आर एल आइडेंटिफाई दोटोकॉल एंड डोमेन इन दू आर एल ये यू आर एल आपको दी हुई है इसमें आपको बताना है कि प्रोटोकॉल कौन सा है डोमेन नेम कौन सा है सो so, देखो आपको अच्छे से पता है कि एच टी टी पी एस इज पढ़ाया था मैंने ठीक है तो एच टी टी पी एस क्या हो गया प्रोटोकॉल हो गया मैम और वहीं पे ई पाठशाला डॉट एन आई सी डॉट इन ठीक है दिस इज डोमेन नेम क्या है ये डोमेन नेम है ओके okay, तो कोई भी यूआरएल तीन पार्ट में डिवाइड होती है फर्स्ट होता, 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 तो होता है उसका प्रोटोकॉल दूसरा होता है डोमेन नेम और थर्ड होता है पाथ ऑफ वेब पेज कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट के किस वेब पेज को एक्सेस करना है तो तो थर्ड होता है उसका पाथ इस क्वेश्चन में टू मार्क का क्वेश्चन था तो आपसे डोमेन पूछा, पूछा था तो ई पाठशाला डॉट एन आई सी डॉट इन इज द डोमेन नेम एंड एच एस इज दोटोकॉल हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओके राइट एनी एडवांटेज एंड वन एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ स्टार्ट टोपोलॉजी सेम क्वेश्चन एज इट इज आ गया आपके एग्जाम में देखो स्टार्ट टोपोलॉजी का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज तो एडवांटेज क्या होता है स्टार्ट टोपोलॉजी का लेस केबल्स का आप यूज करते हो यहां पे एक सेंट्रल डिवाइस होता है जो बेसिकली सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है ठीक है और डिसएडवांटेजेस क्या बता दोगे कि भाई यहां पे यदि वो सेंट्रल जो डिवाइस है उसमें यदि प्रॉब्लम होती है मीन्स यदि सेंट्रल डिवाइस आपने हब हाँ और स्विच यूज किया हुआ है वो यदि खराब हो गया तो होल नेटवर्क विल फेल ओके okay? और यहां पे सेंट्रल डिवाइस की मदद से सारे कंप्यूटर्स इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं एक एडवांटेज ये भी लिख सकते सो so बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं स्टार टोपोलॉजी के चार से पांच मैंने बताए थे आपको उनमें से कोई भी एक एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना था सिंपल सा क्वेश्चन था नाउ दाइथन कोड रिटर्न बिलो एक्टिकल एरर्स ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको एरर फाइंड आउट करना है और एरर फाइंड आउट करके उसे करेक्ट भी करना है ये भी बताया था मैंने है ना कि ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछेंगे आपसे एग्जाम में तो यहाँ पे देखो आपको कोड दिया हुआ है इस कोड की सिंटेटिकल एरर पढ़ना है और उसको रीराइट करना है सो इम्पोर्ट पेंडाज एस पीडी ये तो बिल्कुल सही लिखा है सही लिखा है क्या ध्यान से देखो ध्यान से ठीक है स्टूड नाम की एक क्रिएट uh, की हुई है डिक्शनरी जिसमें नेम राम्या क्लास इलेवन हाउस रेड लिया हुआ है नाउ पे पे देखो S is equals to P dot series और करवा लिया अब पे इंपोर्ट किया था लाइब्रेरी को PD से ठीक है और पे जब आप का कर रहे हो तो पी लिख रहे हो सो दिस इज दल क्या क्याल एर लिखकर आए होंगे आप कि वाइल यू इंपोर्टिंग द एलियाज नेम इज पीडी बट वाइल यू यूज दीरीज फंक्शन ऑफ पेंडाज लाइब्रेरी यू यूज पी फंक्शन यहाँ पे किस फंक्शन का यूज कर रहे हो आप किस ना किस एलियास का नाम यूज कर रहे हो पी का इन केस ऑफ इन प्लेस ऑफ पीडी क्लियर सो दिस इज द एरर इसको रीराइट कैसे करोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे पीडी डॉट सीरीज फंक्शन ओके और सीरीज को पास कर दोगे तो दिस इज द करेक्ट वे यही लिख कर है ना बहुत छोटा तो सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने बार बार ये चीज आपको कही थी कि इंपोर्ट पेंडास पेंडाज पीडी अच्छे से पढ़ लेना जब भी सीरीज या डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज करते हो तो पीडी का ही यूज करते हैं ना वट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरीज ये जो एसक्यूएल क्वेरी लिखी हुई है इसका आउटपुट बताना है है ना तो सिलेक्ट राइट राइट फंक्शन का यूज किया है राइट फंक्शन स्ट्रिंग के राइट right साइड से आपको कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके देता है मतलब राइट right फंक्शन भी सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करके देगा लेकिन स्ट्रिंग के राइट right साइड से कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है तो मैम फोर कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है तो देखो यहां पे चंद्रयान थ्री लिखा हुआ है क्या लिखा है चंद्रयान थ्री ठीक है चंद्रयान थ्री अब राइट right फंक्शन की मदद से राइट right साइड से आपको चार कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है सो दिस इज द राइट साइड और राइट साइड से चार कैरेक्टर क्या होंगे एंड यान थ्री इस दी आउट यान आउटपुट लिखकर आए हो ना आई मेरी बात समझ में राइट की जगह लेफ्ट फंक्शन यूज किया होता तो हम वन टू थ्री फोर चांद रिटर्न राउंड फंक्शन बताया था मैंने ये भी राउंड मॉड पावर ये कुछ मैथमेटिकल फंक्शन है जो एवरी ईयर पेपर में आपसे पूछे जाते हैं तो राउंड फंक्शन का क्वेश्चन आपके सामने है राउंड करना है आपको किस वैल्यू को सेवन सिक्स टू ठीक है अब यहां पे ये है, और इसको राउंड ऑफ करके क्या आउटपुट लिखकर आए भाई दो डेसिमल प्लेसेस तक आउटपुट भी आपको लिखना है तो डेसिमल के बाद यू सी फोर हियर फाइव से ग्रेटर नंबर नहीं है तो पहले तो ये नंबर राउंड ऑफ होगा नहीं

करके आए हो ना ऐसा ही दिस इज आंसर इसको प्रैक्टिकली भी रन करके आप देख लेना यही रिटर्न होगा okay? so, two marks का ये ये था आपके सामने आपको दिख रहा है इसका आपको क्या निकालना है आउटपुट ओके अगेन इंपोर्ट पंडास क्या क्रिएट किया हुआ है एक सीरीज क्रिएट की हुई है जिसमें 45, 12, 15, 200, 45, 12, फाइव टूएल्व फिफ्टीन टू हंड्रेड ये बेसिकली सीरीज के डेटा वैल्यूज हो गए और इंडेक्सेस क्या है माउस प्रिंटर वेबकेम एंड की बोर्ड है ना दीज आर दी इंडेक्सेस और कौन से इंडेक्सेस है इंडेक्स में क्रिएट किया हुआ है ओके okay, तो ये एक सीरीज क्रिएट की हमने किस नाम से कंप्यूटर के कॉम नाम से ये एक सीरीज बन गई ओके okay, जिसमें ये इंडेक्सेस डेटा वैल्यूज है अब प्रिंट क्या करवाना है ध्यान से समझो दिस इज दी राइट आउटपुट सीरीज को आपको क्या करना है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है सीरीज को स्लाइसिंग करके यूज करना है कि वन से लेकर so, यह मैम यहाँ पर जीरो वन टू थ्री कुछ इस तरीके से आप इंडेक्सिंग करते हो तो so, वन से लेकर थ्री तक आपको वैल्यूज uh, को एक्सेस करना है सो so, वन से लेकर थ्री जब आप वैल्यूज एक्सेस करोगे तो थ्री एक्सक्लूड हो जाएगा जो रिटर्न होगी वैल्यूज वो क्या होगी प्रिंटर और वैबकेम जो आउटपुट आपको होगा आपका यही होगा प्रिंटर मतलब को, को नहीं क्योंकि लास्ट एक्सक्लूड हो जाता है किसमें डिफॉल्ट इंडेक्सेस में यहां पे हमने डिफॉल्ट इंडेक्सिंग का यूज किया हुआ है ठीक है आगे बात समझ में यही लिखकर आए हो ना प्रिंटर और वैबकेम ही रिटर्न होगा सीरीज में से ओके नाउ व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ गेटवे गेटवे इन कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क नेटवर्क में gateway का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है दो नंबर का क्वेश्चन है बहुत इजी है कि जो भी बाहर का जो इंटरनेट रहता है उसको यदि आप अपने किसी पर्टिकुलर लैन या किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसे हम गेटवे कहते हैं जो एक गेट की तरह काम करता है ठीक है तो आउटर नेटवर्क को यदि आप अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहते हो मतलब आउटर नेटवर्क को जो वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है उसे आप अपने लेंस से या मेन से कनेक्ट करना चाहते हो देन वी यूज दिस गेट फंक्शन दिस इज द मेन प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस ओके ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन देखो कंसिडर फॉलोइंग पेंडास कोड अगेन पेंडास कोड आपके सामने है इम्पोर्ट पेंडाज एस पी डी एस वन एस टू एस थ्री तीन सीरीज क्रिएट किए हुए हैं मतलब तीन सीरीज फंक्शन की मदद से तीन सीरीज यहाँ क्रिएट की हुई है है ना रुबीना जया वैभव ये हो गए क्या इसके डेटा रुबीना जया वैभव और इंडेक्स हो जाएंगे टेन सिक्सटीन और एटीन तो पहला जो सीरीज क्रिएट होगा यहाँ देखो टेन एटीन इंडेक्सेज इंडेक्स में लिखा हुआ है है ना और रुबीना जया वैभव क्या हो गए वैल्यूज बन गई एस टू दूसरा सीरीज फंक्शन देखो क्या लिखा हुआ है पी डॉट सीरीज यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है मतलब यहां blank है, इसको आपको फिल करना है। Indexes 10, 16, 18, तो इस output से देख के आपको क्या क्या फिल फिल करना होगा? IP, HSC, IP. मतलब यहां पे आप क्या कर दोगे? ये values, second वाली series में। IP, HSC और IP, वो भी सिंगल इन्वर्टेड में लिख कर आए हो ना ऐसे ही लिखकर आना सिंगल इनवर्टेड में क्योंकि ये वैल्यूज है डेटा वैल्यूज है नाउ एस थ्री पीडी डॉट सीरीज फिफ्टी सिक्स 86 ये बन गई कौन सी वैल्यू डेटा वैल्यू तो इंडेक्सेस आपको यहाँ इक्वल्स टू यही लिखा देखो, 10, 16, 18. कि यह जो है वो इस इंडेक्सेस पर ऐड हो जानी है। तो क्वेश्चन भी आपके सामने है आंसर भी आपके सामने है। बस कोड आपको देखकर फिल करना है अब 12th ए करके यहां पर एक एरे क्रिएट कराए जिस डिक्शनरी क्रिएट किया है जिसमें नेम सब्जेक्ट और मार्क्स ये सीरी ये बेसिकली एक डिक्शनरी है जिसमें की वैल्यूज दी हुई है और की वैल्यूज की पेयर दिए हुए जिसमें वैल्यूज आपको बतानी है तो देखो सब्जेक्ट में एस टू पास किया हुआ है और मार्क्स में एस थ्री पास किया हुआ है तो अब नेम में क्या पास कर दोगे आप एस वन पास कर दोगे है ना सीरीज वन को पास करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप एस वन तो जिससे क्या होगा एस वन सीरीज की जो डेटा वैल्यूज है वो क्रिएट हो जाएंगी तो अब यहाँ पे आपने एक डेटा फ्रेम बना ली पीडी डॉट डेटा फ्रेम एक डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में दिख रहा है ना तो ये डेटा फ्रेम तीन सीरीज से मिलकर बनी हुई है और इन तीनों सीरीज को हम इस डेटा फ्रेम डिक्शनरी में एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा ट्वेल्थ ए डिक्शनरी आई मेरी बात समझ में बहुत इजी था यदि आपने ये कोड अच्छे से समझा है कि डेटा फ्रेम को सीरीज की मदद से डिक्शनरी ऑफ सीरीज की मदद से कैसे क्रिएट करते हैं तो वही सेम चीज यहाँ लिखी हुई है

ठीक है पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि इट इज यूज टू अपडेट दी टेबल इट इज यूज टू अपडेट द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल राइट फिर दूसरा आप इसकी क्वेरी लिख सकते हो कैसे लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ठीक है अच्छा अपडेट कर रहे हो आप यहां पे तो अपडेट को सिलेक्ट से मत लिखो अपडेट कमांड अपडेट से लिखा लिखी जाएगी अपडेट ठीक है टेबल सेट क्या करोगे आप यहाँ कॉलम आपको सेट करना है, आपको बदलना है तो कॉन्टैक्ट नंबर इज इक्वल्स टू यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर लिख देना वेयर जहां पे स्टूडेंट का रोल नंबर वन जीरो वन हो तो कुछ इस तरीके से आपने अपडेट कमेंट चला दी और ऐसे ऑल्टर टेबल का यूज कर लेना तो ऑल्टर टेबल के भी यूज मैंने बताया ऑल्टर टेबल मॉडिफाई क्लियर है ऑल्टरटेबल रीनेम तीन के साथ में तीन कंडीशन uh, के साथ में आप ऑल्टर टेबल का यूज कर सकते हो ओके सो आंसर ऐसे ही लिख कर आना था क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मार्क्स में तो इज टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड अपडेट इज यूज टू मॉडिफाई द टेबल रिकॉर्ड नाउ वी आर ऑन सेक्शन सी ठीक है सेक्शन बी में आपको दो क्वेश्चन में चॉइस मिली है, है ना अब सेक्शन सी में क्या पूछा है ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन

लेक्ट एस आई डी कॉमा नेम ठीक है तो ये कॉलम आपको सिलेक्ट करवाने स्पोर्ट्स टेबल से फ्रॉम स्पोर्ट्स टेबल अब एस आई डी नेम उनके चाहिए आपको जो कि मंथ ऑफ सेप्टेंबर में खेले गए हो ठीक है तो यहां क्या लिखोगे वेयर वेयर डेट ऑफ प्ले डेट ऑफ प्ले में आपको मंथ निकलवाना है तो आप क्या यूज कर लोगे यहां पर मंथ नेम फंक्शन का यूज कर लोंगे. किसका मंथ नेम फंक्शन का ठीक है मंथ नेम फंक्शन का यूज कर लोगे आप किस पर डेट ऑफ प्ले पर डेट ऑफ प्ले पर आपने मंथ नेम फंक्शन का यूज कर लिया इज इक्वल्स टू क्या लगा दोगे सेप्टेंबर इज इक्वल्स टू सेप्टेंबर तो जहां पे डेट ऑफ प्ले पर मंथ नेम सितंबर होगा उसका एस आई डी और नेम आपको दिख जाएगा और से क्वेरी एंड करके आना है यही क्वेरी लिखकर आए हो ना

है ना या भी यूज़ कर सकते उसमें आप किस कॉलम को पास कर दोगे तो भी नेम है तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे नाउ टू डिस्प्ले लास्ट टू कैरेक्टर ऑफ ऑल स्पोर्ट आपको लास्ट के टू कैरेक्टर डिस्प्ले करवाने हैं हर एक स्पोर्ट नेम के टीई बी ए डबल एल का डबल एल लास्ट के टू टू कैरेक्टर्स

लास्ट टू परसेंटेज तो लाइक like प्रेडिकेट के साथ में आप स्पेसिफाई कंडीशन और इस तरीके से ठीक तो यही सारी चीज करके आए हो ना बहुत इजी वे में आपका पेपर बनाया था और वो सारे फंक्शंस और क्वेरीज का यूज किया गया है नाउ बी पार्ट यदि ये नहीं किया तो इसका बी पार्ट अटेम्प्ट किया होगा अब बी पार्ट में क्या करना है देखो ए पार्ट में क्वेरी लिखनी थी

जो स्पोर्ट्स नेम है उनके आसपास कहीं स्पेस भी दिख रही होगी तो वो स्पेस रिमूव हो जाएगी और फिर अपर केस में आपको क्या शो होंगे शो होंगे सारे नाउ फ्रॉम स्पोर्ट्स इज टू जहां पे 5 है तो कहां है मैम यहाँ है ठीक है अब इसका जो स्पोर्ट्स नेम क्या है वो ये बैडमिंटन है और बैडमिंटन के बाद देखो आपको यहाँ स्पेस दिख रही है दो स्पेस दिख रही है ना तो अब क्या होगा ट्रिम फंक्शन पहले तो क्या करेगा बैडमिंटन से स्पेस हटाएगा दोनों साइड से एक स्पेस यहां दिख रही है स्टार्ट right तो तो जिसका एस आई डी फाइव है उसका स्पोर्ट्स नेम कैपिटल शो हो जाए क्योंकि अपर फंक्शन का यूज किया है यही लिख कर हूं आउटपुट में ठीक सिलेक्ट लेफ्ट लेफ्ट फंक्शन का काम होता है स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से कैरेक्टर को सर्च करना

Fifth की बैडमिंटन की तो लेफ्ट तो साइड से बैडमिंटन के लेफ्ट साइड से तीन कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर दिए ठीक है थर्ड दिएक्ट सब आर कोच आई डी कॉमाच आई डी जो डी है इन से आपको दो कैरेक्टर है इनमें से भी सब स्ट्रिंग सर्च करनी है और वो भी सब स्ट्रिंग फर्स्ट पोजिशन से पहली पोजिशन से ठीक है फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर एस एम क्रिकेट और फीस टू थाउजेंड तो एस एन एम क्रिकेट होगा जिसका ये एस एन एम क्रिकेट है और फीस कितनी होनी चाहिए टू थाउजेंड और लगाया है और मतलब कोई एक भी ट्रू होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा तो भाई ये तो ट्रू है ना ठीक है में क्रिकेट तो मिल रहा है तो यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करना है फर्स्ट पोजिशन से तो एज इट इज आपको एस थ्री मिल जाएगा क्या मिलेगा आउटपुट में एज इट इज एस इस इस थ्री क्योंकि एक यही सब स्ट्रिंग है आपकी कोच आईडी बोला है कोच आईडी में यहां पर एस थ्री आपको मिल रहा है तो फर्स्ट पोजीशन से एक्सट्रैक्ट करना है नहीं बताया कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं लिखे यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ पोजीशन लिखे हुए कि से शुरू करना है तो S3, as it is, तो एज इट इज रिटर्न होगा फर्स्ट का आउटपुट आएगा बैडमिंटन का का आएगा bad, का आएगा बैड और थर्ड ठीक है डीप में जिसने भी ये अच्छे से पढ़े हैं फंक्शन और उनके नाम और उनके काम पढ़ लिए ना तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे आपके लिए सॉल्व करना और एज इट इज मैंने आपको सारे फंक्शंस उनके काम ऐसे ही समझाए हैं क्वेरीज का यूज करके ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन देखो क्या है कबीर डेटा कबीर एक डेटा जो डिक्शनरी में वोटर के नाम और उनकी एज को स्टोर करता है आपको यहाँ पे दिख रही है नाउ कबीर वॉन्ट्स टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी टू स्टोर डेटा ऑफ मल्टीपल वोटर्स अब कबीर को क्या क्रिएट करना है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्रिएट करना है ताकि वो मल्टीपल वोटर्स की लिस्ट uh, को क्रिएट कर पाए ठीक है स्टोर कर पाए मल्टीपल वोटर्स के डेटा को स्टोर कर पाए ही टू क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम द सेम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज हैविंग रो रो लेबल्स एज एज शोन देखो इट इज रहेंगे पाइथन कोड का यूज करना है आपको इसको क्रिएट करने के लिए तीन नंबर का क्वेश्चन दिया है बेटा तो सिंपल सी बात है आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज का यूज करना है मतलब आपको यहाँ दो डिक्शनरी क्रिएट करना है और उन दोनों डिक्शनरी को फिर आपको एक लिस्ट में एक्सेस करना है और उस लिस्ट को फिर

इसी तरीके से आपने बी ए थ्री डबल जीरो टू ये सब आपके सिंगल इन्वर्टेड में ही चलेगा या डबल इन्वर्टेड में इसकी वैल्यू क्या है बाला तो ऐसे आपने क्या करा ये सारी वैल्यूज जो है इंडेक्स के साथ क्रिएट कर ली इन डिक्शनरी वन सेम आप सेम इंडेक्सेस के साथ डिक्शनरी टू क्रिएट करो है ना सेम इंडेक्स के साथ ए आर वन जीरो वन वन डबल जीरो वन लेकिन अब यहां वैल्यू क्या लिखोगे आप थर्टी फाइव ओके बिना इन्वर्टेड कॉमा के सिमिलरली बी ए थ्री डबल जीरो सिंगल इन्वर्टेड में और इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप ट्वेंटी थ्री ऐसे आपने क्रिएट कर लिया इसको भी तो ये डिक्शनरी टू में क्रिएट करा ये डिक्शनरी वन में क्रिएट किया अब इन दोनों डिक्शनरी की एक लिस्ट बना दो तो एल नाम से आपने एक लिस्ट बना ली जिसमें दोनों डिक्शनरी की वैल्यू को पास कर दिया आई मेरी बात अच्छे से समझ में? ये तो लिखा होगा कंप्लीट हमें बनानी है। तो, हमने एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज आप डेटा फ्रेम नहीं बना पाओगे इंपोर्ट पेंडाज एस पीडी अब आप यहां एक डेटा फ्रेम डी एफ लो और उस डेटा फ्रेम में क्या करोगे पीडी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन में डी कैपिटल लिखना डेटा फ्रेम फंक्शन में पास कर दोगे इस लिस्ट को एज ए डेटा ठीक है और इंडेक्सेस क्या बनाने यहां लिखा हुआ है ऊपर देख लो कि यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट रो लेबल्स रो लेबल्स आपको बनाने हैं तो इंडेक्स के अंदर आप क्या प्रोवाइड कर दोगे इंडेक्स के अंदर आप वोटर नेम और वोटर एज को पास कर दोगे दो यहाँ पर वोटर नेम और वोटर एज

इसका आंसर आपको करना है तो चाहो तो आप यहां पे डायरेक्ट आंसर कर दो क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पूछा है इन दिस इन दिस टेबल या फिर आप इसके लिए यहां पर काउंट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो जो कि काउंट कर सकता है बट क्वेरी लिखने को नहीं कहा है ना यहाँ पर डायरेक्ट आपसे आंसर पूछा है सजेस्ट दी प्राइमरी की फॉर द गिवन टेबल इस टेबल में प्राइमरी की आप किसे सेट करोगे सो ऑब्वियस मैम सेल्समैन आईडी को हम क्या कर देंगे प्राइमरी की सेट कर देंगे बिकॉज सेल्समैन आईडी इज नॉट Reputable. ये नहीं नहीं होगा दो के नाम से ही हो सकते हैं बट उनका होता है उससे हम उसे uniquely identify कर पाएंगे तो यहां पे क्या सेट करा आपने को में आपको सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना है मीन की आपको रिकॉर्ड को अरेंज करवाना है तो कौन सी क्वेरी यूज करते हो बेटा आप लेक्ट कमांड के साथ में आपको पूरा डेटा डिस्प्ले करवाना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दैट इज सेल्स मैन ओके अब इसके साथ क्या यूज करोगे आप ऑर्डर बाय क्यों यूज करोगे क्योंकि ऑर्डर बाय से ही तो आप डिस्प्ले करवाओगे डिसेंडिंग ऑर्डर में किसके अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय करना है आपको यहाँ पे कमीशन कमीशन के अकॉर्डिंग तो कमीशन वाले कॉलम का नाम लिख देना और अब इसके साथ में इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है तो डीई एस से लिखना मत भूलना नहीं तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे डीई से लिखोगे ना इस क्वेरी के अकॉर्डिंग ये जितने भी कमीशन के वैल्यूज हैं ये बड़े से छोटे ऑर्डर में पहले 18 आएगा फिर 15 आएगा फिर 13 12 11 इस ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे सारे रिकॉर्ड्स ओके okay? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था ये तो आपसे Now, the next 29th question. 29th based आपके सोसाइटी इंपैक्ट वाले chapter पे मैंने कहा था आपसे ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे देखो क्या दिया हुआ है पुलिस अरेस्टेड फोर में इंटर स्टेट गैंग ऑफ फॉर एल्डली ड्यूपिंग मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑन द प्रोटेक्स ऑफ प्रोवाइडिंग दम

हॉलिडे uh, पैकेजेस उन्हें ऑफर किए थे जिसमें टेन टाइम्स द टोटल ऑफ टेन टाइम्स इन द नेक्स्ट इयर्स एजन चार्ज्ड फोर 1.45 लाख थ्रू दिज क्रेडिट कार्ड जिन्होंने इतने पैसे उन्हें 1.45 लाख टेन इयर्स के लिए पे कर दिए थे नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन जो यहां मेंशन की हुई है ओके okay, आजकल ऐसे केसेज वाकई में बहुत दिखे जा रहे हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन है

फिशिंग अटैक जो कि फेक फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स के थ्रू क्रिएट होता है विच एक्ट डील्स विद दिस सच क्राइम इन इंडिया इस टाइप के क्राइम्स को इंडिया में डील करने के लिए किस एक्ट को बनाया गया है सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आईटी एक्ट 2000 के नाम से एक एक्ट है जो इस तरीके के साइबर क्राइम्स को हैंडल करता है नाउ सजेस्ट एनी वन प्रिकॉशन दैट कैन बी टेकन टू अवॉइड फॉलिंग प्रे टू सच क्रिमिनल्स इन क्रिमिनल्स को अवॉइड करने के लिए इन क्रिमिनल से बचने के लिए एक प्रिकॉशन आपको यहाँ पे सजेस्ट करना है सो so आप सभी को पता है कि एस टाइप के जो फ्रॉडिलेंट वेबसाइट्स हैं उनको एक्सेस करने के पहले देख ले अच्छे से कि उसके पहले एसटीटीपी एस प्रोटोकॉल लगा है या नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस मींस सिक्योर वेबसाइट्स को ये इंडिकेट करता है ठीक है तो अच्छे से समझ में आ गए तीनों पॉइंट्स यही लिखकर आए हो ना नाउ

क्वेश्चन आपके सामने दिया है कंसीडरिंग द इन्वायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद ई वेस्ट आउटलाइन वन नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट आपके जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली जब ई e वेस्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है एनवायरमेंट पर है ना तो आपको अच्छे से पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसमें हम कोई बैटरीज की बात कर लें तो वो लेड मटेरियल से बनती है जिसका ह्यूमंस पर अफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पर भी अफेक्ट पड़ता है बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिनमें से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं जो अगेन अफेक्ट द इन्वायरमेंट ओके नाउ गोपाल इज अ कॉलेज स्टूडेंट हु रिसेंटली बॉट न्यू स्मार्टफोन अब देखो यहाँ पे गोपाल जो है कॉलेज का स्टूडेंट है उसने रिसेंटली एक नया सा स्मार्टफोन लिया है उसी एबीसी कंपनी से ही एक्साइटेड अबाउट द न्यू फोन and its features. हाव एवर ही इज नाउ लेफ्ट विथ इज ओल्ड स्मार्टफोन अब उसने अपना पुराना स्मार्टफोन छोड़ दिया है और नया स्मार्टफोन नए नए फीचर्स के साथ एक्सेप्ट किया है विच इज ए स्टिल फंक्शन भी कंसिडर्ड लेकिन जो उसको अब पुराना फोन था ओल्ड फोन था वो अभी भी अच्छा है उसके सारे फंक्शन वगैरह सब वगैरह काम कर रहा है बट आउटडेटेड हो चुका है इसलिए उसने न्यू फोन लिया हुआ है नाउ सजेस्टिंग वन ऑफ एनी एक्शन दैट ही कैन टेक ऑफ इज ओल्ड फोन तो अब ओल्ड स्मार्टफोन के साथ में उसको क्या करना चाहिए आपको यहाँ पे उसका एक्शन बताना है तो भाई सीधी सी चीज़ है उसका आप जो ओल्ड स्मार्टफोन है वो बेसिक के उसके लिए एक ई e वेस्ट हो चुका है है ना क्योंकि अब वो नए फंक्शंस को यूज कर रहा है नए फीचर्स को यूज कर रहा है नए फोन के साथ तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि उसका ओल्ड स्मार्टफोन भी क्या हो जाए आ, काम में आ जाए उसे 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 आप बेसिकली ई वेस्ट नहीं कह सकते हो ठीक है उसके लिए ई e वेस्ट है लेकिन इस ई e वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग रियूज बाय यूजिंग रियूज उसे इस फोन को उन पर्सन को दे देना चाहिए जिनको फोन की नीड है तो उसका रीयूज उस हो जाएगा जो ओल्ड स्मार्टफोन है उसका रीयूज उस हो जाएगा तो किस तरीके से आप वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हो थ्री आर्स हमने पढ़े थे रिड्यूज रीयूज एंड रिसाइकल अब रिड्यूज तो कर नहीं सकते हैं और रिसाइकल भी नहीं कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसके ओल्ड फोन को रीयूज कर सकते हैं ठीक है इसका एक और पॉइंट आप यहां पे लिख कर आ सकते हो कि जब तक आपको बहुत ज्यादा नीड नहीं है तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक गेजेट्स को लेने से बचें सो दिस इज कॉल्ड रिड्यूस रिड्यूस द नीड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ओके नाउ प्रोवाइड एनी वन रिकमेंडेशन ऑन हाउ ए बी सी इलेक्ट्रॉनिक्स कैन रिस्पॉन्सिबली मैनेज इट्स ई वेस्ट वाइल मिनिमाइजिंग हार्म टू द इन्वायरमेंट तो आप कंपनी को कैसे एबीसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को कैसे इन्वायरमेंट को हार्म होने से बचाना है किस तरीके से ई e वेस्ट को वो क्या करे सेव, आ, e को मैनेज करे तो यहाँ पे वही थ्री आर्स आपको लिखकर आना था रिड्यूस रिसाइकल एंड रियूज ओके okay. और आप जो गवर्नमेंट है एनजीओ वगैरह जो है वो भी इसके लिए काफी एक्शन ले रहे हैं नए नए प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं जिससे कि लोग अवेयर हो सके ई वेस्ट से रिलेटेड ओके okay? तो ये तीन क्वेश्चन में ई वेस्ट के बारे में लिखना था सो so, और का क्वेश्चन था कोई भी एक अटेम्प्ट करके आना था है ना चलिए थर्टी क्वेश्चन कंसिडर दी गिवन डेटा फ्रेम पासवर्ड अब पासवर्ड नाम से आपको ये एक डेटा फ्रेम यहाँ पे दिख रही है दिख रही है जहां पे कैटेगरी कोड नेम और फ्रिक्वेंसी कॉलम के इंडेक्सेज है और जीरो वन टू थ्री सिक्स ये बेसिकली क्या है रो इंडेक्सेस है ओके नाउ राइट टेबल पाइथन कोड अब इस डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है पाइथन कोड फर्स्ट कंडीशन दी हुई है टू एड अ न्यू रो विथ फॉलोइंग मतलब सिक्स के बाद आपको यहां पे एक रो और क्रिएट करनी है इस एबीसीडी के बाद एक नई रो क्रिएट करनी है तो रो क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं यहां पे आप रो क्रिएट करने के लिए आई लोक मैथड का यूज कर सकते हो लोक मैथड का भी यूज कर सकते हो यदि लेबल्ड इंडेक्स दिए हो तो है ना सो कोड नेम एबीसी वन ट्वेंटी थ्री अल्फा न्यूमेरिक ट्वेल्व पॉइंट एट ये वैल्यूज तीनों वैल्यूज आपको ऐड करवानी है तो आप बेसिकली इसके लिए यहां पे एक डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हो सपोज मैंने डी नाम से डिक्शनरी बना ली और इस डिक्शनरी को मैंने डेटा फ्रेम में एड कर सकते हो तो डेटा फ्रेम में एड करने के लिए आप लोक मैथड से उसको एक्सेस कर लेना आई बात समझ में तो डिक्शनरी कैसे क्रिएट करोगे उसके कॉलम इंडेक्स के साथ कैटेगरी कॉलम इंडेक्स है कॉलन लगाया नई वैल्यू लिख दी क्या नई वैल्यू है एबीसी बी वन टू थ्री सिमिलरली दूसरी वैल्यू कैटेगरी की है सॉरी ये कोड नेम था ना कोड नेम ओके नाउ कैटेगरी आपने लिखा और कैटेगरी लिखने के बाद अब आप यहां पे उसकी कैटेगरी अल्फा न्यूमेरिक बता दोगे तो इस तरीके से आपने एक डिक्शनरी क्रिएट किया और पी डॉट यहाँ पे जो डेटा फ्रेम है उसमें आप इस डिक्शनरी को एड करवा सकते हो जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है या फिर आप यहां पे लिख सकते हो लोक मेथड को भी थ्रू भी आप यहां पे इन वैल्यूज को इनपुट करवा सकते हो लोक मैथड में बस आपको तीनों वैल्यूज लिख देनी है तो क्या होगा एक नई रो क्रिएट हो जाएगी आई बात समझ में नाउ नेक्स्ट इज टू डिलीट रो विद लेबल टू लेवल टू के साथ में आपको रो को डिलीट कर देना है अब लेवल टू वाली रो कौन सी हो गई आपके सपोज ये रो हो गई है ना तो इसे आपको डिलीट करना है तो आप ड्रॉप मेथड का यूज करते हो मतलब ड्रॉप फंक्शन का रो डिलीट करना है तो जो भी रो डिलीट करना है एक्सेस पैरामीटर में आपको जीरो पास करना है तो रो डिलीट हो जाएगी नेक्स्ट में आपको कॉलम डिलीट करना है तो ड्रॉप मेथड के साथ जिस कॉलम को डिलीट करना है एक्सेस पैरामीटर में वन लिख दोगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा तो एक्सेस पैरामीटर का ध्यान रखना है और ड्रॉप मेथड का ध्यान रखना है जिससे आप रो को डिलीट कर सकते हो और कॉलम को डिलीट कर सकते हो अंडरस्टैंड चलिए आगे बढ़ जाते हैं सेक्शन डी पर आ जाते हैं अब सेक्शन डी में रूपम क्रिएटेड माइस्क टेबल रूपम ने ये माइस्कल टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसमें विनर्स है नोबल प्राइज जिन्होंने जीते हुए हैं उन विनर्स के टेबल हैं विनर के आईडीज हैं विनर ने किस ईयर में इन नोबल प्राइजेस को विन किया है उनके ईयर्स हैं सब्जेक्ट है किससे रिलेटेड जो नोबल प्राइजेस है वो विनर्स के नेम है कंट्री है कैटेगरी है ओके तो अब इस टेबल से रिलेटेड लिखना है इस क्वेश्चन में क्वेरीज फर्स्ट क्वेरी लिखना है आपको डिस्प्ले नेम ऑफ नोबल प्राइज विनर इन लिटरेचर फॉर ऑफ द नोबल प्राइज विनर तो क्या लिखोगे फ्रॉम टेबल का नाम कौन सी टेबल है नोबल टेबल है अब यहां पे देखो वेयर क्लॉज लगाओगे क्योंकि नाम किसका डिस्प्ले करवाना है जहां पे जहां पे सब्जेक्ट लिटरेचर हो जहां पे सब्जेक्ट लिटरेचर हो तो हम यहां लिख देते हैं वेयर

ठीक नाउ नेक्स्ट क्वेरी इज डिस्प्ले सब्जेक्ट एंड कैटेगरी क्या डिस्प्ले करवाना है सब्जेक्ट एंड कैटेगरी तो सिलेक्ट क्या करोगे आप सिलेक्ट सब्जेक्ट कॉमा कैटेगरी ओके फ्रॉम विच टेबल फ्रॉम नोबल टेबल ओके नाउ हूज कंट्री इज नॉट नोन जिसका कंट्री नहीं पता है तो वेयर लगा के क्या लिख दोगे कंट्री ज इक्वल्स टू नल वैल्यू क्या सेट करोगे आप कंट्री की वैल्यू नल जहां पे कंट्री नहीं पता है तो कंट्री वाले कॉलम में नल वैल्यू कहां है तो इस पर्टिकुलर विनर का सब्जेक्ट और उसकी कैटेगरी हो जाएगी नोबेल प्राइज विनर्स की पूरी डिटेल पूरी डिटेल डिस्प्ले करे जो साइंटिस्ट है तो अब आपको पूरी डिटेल डिस्प्ले करवाना है तो आप क्या लिख दोगे यहां पे सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ लिखोगे आप स्टार क्योंकि ऑल डिटेल डिस्प्ले करवानी है तो स्टार फ्रॉम टेबल नेम दैट इज नोबेल ओके वेयर हु वर साइंटिस्ट जो साइंटिस्ट है ना तो वेयर साइंटिस्ट क्या है भाई यहाँ पे कैटेगरी है तो वेयर कैटेगरी इज इक्वल्स टू साइंटिस्ट जहां कैटेगरी साइंटिस्ट होगी

तो ग्रुप बाय क्लॉज बन जाएगा लिटरेचर वाला ठीक है? तो group by clause में हमने लिटरेचर का ग्रुप बना लिया, अब लिटरेचर के कितने दिख रहे हैं यहाँ पे तो count function देखेगा कि ग्रुप में कितनी लिटरेचर की टू तो हमें टू रिटर्न करेगा ठीक है इसलिए क्वेरी क्या लिखोगे आप देखो तो यहां आप लिखोगे सिलेक्ट सिलेक्ट करके लिखोगे आप काउंट काउंट किसको करवा रहे हो सब्जेक्ट को तो काउंट में आपने पास कर दिया सब्जेक्ट ओके okay? आई बात समझ में From, uh, from table name that is noble. Okay, now group by. अब group by में क्या pass कर दोगे आप Obvious group किसका बनाना है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है where subject is literature ना तो group by में आप यहाँ पे लिखोगे uh, subject column और हैविंग में आप कंडीशन भी स्पेसिफाई करोगे हैविंग में आप क्या कंडीशन स्पेसिफाई करोगे सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू लिटरेचर

और यहाँ से अब आपको कुछ क्वेरीज अगेन लिखनी है सम क्वेश्चन आर देयर एंड यू राइट द एस्टक्ल क्वेरीज और मैं ये क्वेश्चन है या तो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था या फिर ये तो कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जरा कमेंट सेक्शन में बता दो जो क्वेरीज इजी लगी होगी वो क्वेरीज आपको लिखनी थी फर्स्ट में चेंज द डिपार्टमेंट ऑफ शिवम टू आई टी इन द टेबल इम्प्लॉय सो इम्प्लॉय टेबल से शिवम का डिपार्टमेंट चेंज करना है आई से कुछ और है ना so, यहाँ पे अपडेट कमांड का यूज करूंगा क्योंकि रिकॉर्ड को बदलना है सेम ऐसे पे देखो रिमूव द रिकॉर्ड अलीशा फ्रॉम द टेबल तो डिलीट कमांड का यूज कर लिया होगा होप आपने यहाँ पे क्योंकि हमें रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एंड वेयर नेम इज इक्वल्स टू अलीशा समथिंग लाइक दिस या वेयर रोल नंबर जो भी टेबल में दिया होगा प्राइमरी की वो लिख देना है ऐसे आपको सारे जो क्वेरीज है वो इस क्वेश्चन में अटैम्प्ट करना है राइट right? अभी क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे पीडीएफ में थोड़ा सा मिस uh, हो गया मीन्स इसका प्रीवियस जो पेज है वो मेरे पास में नहीं है सो दैट्स वाई क्वेश्चन पार्ट इज देयर ओके नाउ नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं फुलमेन टैक बैंगलुरु इज अ कंपनी दैट डील्स विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फुलमेन जो कि एक क्या है बैंगलुरु की कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज uh, होती है ओके okay? मीन्स कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है एक टेक्निकल कंपनी है दे हैव डिफरेंट सेल्स प्रोडक्शन मार्केटिंग इस कंपनी में डिफरेंट डिविजन है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है एच आर है प्रोडक्शन है मार्केटिंग है द लेआउट ऑफ बैंगलुरु ब्रांच तो बैंगलुरु ब्रांच का जो लेआउट है वो कुछ इस तरीके से एच आर डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस तरीके से प्लेस्ड है नाउ दो मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू कनेक्ट ऑल ऑलिजन एज वेल एज ऑल कंप्यूटर्स ऑफ ईच डिविजन अब जो मैनेजर है उसे बेसिकली क्या करना है कनेक्ट करना है सारे ब्रांचेस को सारे डिविजन्स को एक दूसरे के साथ मीन्स की जो भी कर... कंप्यूटर्स वहाँ कनेक्टेड होंगे उन सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है एक नेटवर्क में राइट सो डिस्टेंस बिटवीन आर एस फॉलो सो सारे जो है जितने भी यहाँ पर ब्रांचेस दी हुई हैं एच आर सेल्स प्रोडक्शन मार्केटिंग जितने डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी मैंशन किया हुआ है एच वन टू एच वन टू एच टू इज सेवेंटी सिक्स मीटर एच वन टू एच थ्री इज वन एटी फाइव मीटर एच वन टू एच फोर इज एटी एट मीटर एच टू टू एच थ्री इज वन फोर्टी मीटर एच टू टू एच फोर इज वन ट्वेंटी फाइव मीटर एच थ्री टू एच फोर इज वन सिक्सटी मीटर सो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर जो प्लेस्ड है वो है एच थ्री टू एच फोर डिपार्टमेंट ओके नाउ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच डिपार्टमेंट्स आर एच वन इज वन फोर्टी एच टू इज थ्री फोर्टी एच थ्री इज वन एटी एंड एच फोर इज 260 सिक्सटी कंप्यूटर्स सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर्स है वो भी एच टू डिपार्टमेंट में ही है ओके नाउ बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया जो क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है जो कंडीशन सिचुएशन आपको बताई अकॉर्डिंग टू दिस सम आर समो गिवन सजेस्ट दि टॉपोलॉजी एंड ड्रॉ दी मोस्ट एफिशियंट केबल लेआउट फॉर कनेक्टिंग ऑलिजन ऑफ बैंगलुरु ब्रांच तो बैंगलुरु की जितनी भी ब्रांचेस हैं एच आर सेल्स प्रोडक्शन मार्केटिंग जितने डिपार्टमेंट है बैंगलुरु ब्रांच में इसके लिए आपको एक टॉपोलॉजी सजेस्ट करनी थी ऑब्वियस किसी एक ऑफिस में किसी एक बिल्डिंग में किसी अलग अलग डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स को जब आपको कनेक्ट हो, करना होता है देन वी यूज दिस टोपोलॉजी इज नोन एज लेन टॉप द टोपोलॉजी विच इज स्टार टॉपोलॉजी यू कैन यूज ओके बिकॉज स्टार टॉपोलॉजी इज

अपना जो रीच है उसको और बढ़ाती है और डेली में उसने एक और ब्रांच ओपन किया हुआ है आउट ऑफ लेन मैन वेन वट काइंड ऑफ नेटवर्क विल बी क्रिएटेड टू कनेक्ट बैंगलुरु ऑफिस विद डेली ऑफिस मतलब बेंगलुरु ऑफिस में ये जो चार डिपार्टमेंट्स है वो तो हमने लेन से कनेक्ट कर दिए स्टार टोपोलॉजी का यूज कर लिया मतलब अब जो बेंगलुरु ब्रांच है और जो दिल्ली की ब्रांच है ठीक है इन दोनों के बीच के जो कंप्यूटर्स है वो किस टाइप के नेटवर्क से कनेक्ट होंगे लेन से या मेन से तो ऑब्वियस लेंस से बेंगलुरु के कंप्यूटर्स कनेक्ट है यहाँ पे भी एक लैन फॉलो हो रहा है और दो सिटीज के बीच में जो कनेक्शन आप प्रोवाइड करते हो विच इज मेन दैट इज मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क बिकॉज द रेंज इज हाई राइट सो विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क राइट तो होप आप सही आंसर करके आए होंगे और इसका लेआउट भी बनाकर आए होंगे इस क्वेश्चन में और हर साल यदि पेपर देखा होगा आपने प्रीवियस ईयर के भी तो इस टाइप का क्वेश्चन ही केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कुछ एग्जाम्पल बेस्ड होते हैं जो हर साल पूछते हैं नाओ सजेस्ट द डिविजन फॉर द प्लेसमेंट ऑफ सर्वर इन बैंगलुरु ब्रांच एक्सप्लेन द रीजन फॉर योर सिलेक्शन अब सर्वर किस ब्रांच में प्लेस्ड किया जाएगा मतलब यदि हम बात करें एच आर सेल्स प्रोडक्शन मार्केटिंग तो इनमें से जो सर्वर है वो किस ब्रांच में होना चाहिए तो भाई यहाँ पर देखो एच आर जो है बेसिकली वो क्या है एक मेन ब्रांच है मतलब हेड ऑफ द रिसोर्स ब्रांच हम कहते हैं ऑल ऑफ द ब्रांचेस का एक तरीके से हेड हो सकता है तो वहां पे कुछ जो कंप्यूटर्स है आ, वो थोड़े हाई कॉन्फ़िगरेशन के ओवरऑल डेटा वगैरह सारी चीजें वहीं मेंटेन की जाएगी सो अकॉर्डिंग टू दिस हम बोल सकते हैं कि यहां पर एच जो ब्रांच होगी बैंगलुरु की वहां पर सर्वर सिस्टम को प्लेस किया जाएगा नाउ सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ फॉलोइंग डिवाइज इन बेंगलुरु ब्रांच बेंगलुरु ब्रांच में आप किस टाइप के डिवाइसेज को नेटवर्क डिवाइसेज को प्लेस कर सकते हो मीनस रिपीटर स्विच और हब तो ऑब्वियस आप यहां पर स्विच

Uh, जो डेटा ट्रेवल हो रहा होता है तो बीच में जो सिग्नल्स होते हैं उनके वीक होने के चांसेस हो सकते हैं सो वी कैन यूज रिपीटर ऑल्सो है ना ताकि सिग्नल्स वीक ना हो और कभी वीक हो भी तो वो वापस ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफर हो जाए मतलब डेटा प्रॉपरली ट्रांसफर हो जाए नाउ द कंपनी मैनेजर मिस ऋतु इज वरिड एज टू हाउ शी कैन एक्सपैंड एंड मॉडिफाई फंक्शनैलिटी ऑफ वेब ब्राउजर हर टू गिविंग नेम ऑफ एनी टू टूल्स अब जो वहां की मैनेजर है मिस रितु इज वरीड टू हाउ शी कैन एक्सटेंड एंड मॉडिफाई द फंक्शनलिटी ऑफ वेब ब्राउजर कि वेब ब्राउजर की फंक्शनलिटी को कैसे बढ़ाया जाए किस तरीके से एक्सटेंड किया जाए तो आपको यहाँ पे वेब ब्राउजर के दो टूल्स के नाम बताने मीन्स कि आप सबसे पहले तो जो फेमिलियर वेब ब्राउजर है जैसे मोजिला फायरफॉक्स गूगल क्रोम आप इनका यूज कर सकते हो ठीक है यदि आप गूगल क्रोम का यूज कर रहे हो मोजिला फायरफॉक्स का यूज कर रहे हो तो वहां पे सेटिंग्स ऑप्शन आता है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो ब्राउजर को आपको कहां पे सर्च बार रखना है आप किस तरीके से आइकन्स को प्लेस करना चाहते हो मीन्स की वॉट एवर द थीम बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग यू कैन चेंज द वेब ब्राउजर बाई यूजिंग दिस टूल्स ओके नाउ

जिस फंक्शन का यूज करना होता है तो वो कौन सा फंक्शन होता है बेटा बार चार्ट बनाने के लिए बार बार फंक्शन होता है 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 ठीक सो so, चार्ट चार्ट हमें बनाना है इस डेटा का एट द टाइटल जिसमें आपको चार्ट का टाइटल भी एड करना है ठीक है कि आप ये कौन सा चार्ट बना रहे हो चार्ट का टाइटल लाइक फ्रूट डिटेल्स ओके फ्रूट डिटेल्स आप क्रिएट कर रहे हो तो आपका ये टाइटल बन जाने वाला है नाउ लेबल भी ऐड करना है एक्स वाई एक्सिस पे मीन सपोज हियर यू मेंशन द फ्रूट नेम ओके फ्रूट नेम एंडर यू हियर यू मेंशन द प्राइस सो दीज आर दी एक्स वाई लेबल जो कि आपको मेंशन मैंने ऑल्सो इट सुबल स्टेटमेंट टू सेव दार्ट चार्ट चार्ट को आपको सेव भी करना है फ्रूट्स डॉट पी एनजी तो सेव करने के लिए सेव फिर कमांड का यूज करेंगे सो so, क्या कोड लिख कर आए होंगे सबसे पहले तो आपको इम्पोर्ट कर लेना है बाई मैट प्लॉट लिप लाइब्रेरी को सो इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट मॉड्यूल इसके कौन से मॉड्यूल को आप वो करोगे पाई प्लॉट मॉड्यूल को एज पी एल टी एस पी एल टी हमने इसको इंपोर्ट कर लिया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे आपको क्या करना है दो एरे क्रिएट करनी है जो, जो एज दी हुई है ये एरेज आप क्रिएट कर लो एक तो फ्रूट्स नाम की फ्रूट क्रिएट कर लो इस तरीके से जिसमें आप फ्रूट्स के नाम मेंशन कर दो एप्पल गवावा बनाना जो भी दिए हुए ठीक है देन उसके बाद प्राइस नाम से एक एरे क्रिएट कर लो जिसमें आप प्राइस मेंशन कर दो वन फिफ्टी सेवेंटी फिफ्टी एंड सो ऑन ओके इस तरीके से आपने दो एरेज बना ली क्योंकि ये डेटा होगा बार चार्ट के लिए डेटा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए

चार्ट का टाइटल भी सेट करना है तो चार्ट का टाइटल सेट करना है तो टाइटल फंक्शन का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं टाइटल फंक्शन का जिसमें आपने चार्ट का टाइटल दे दिया फ्रूट्स डिटेल ओके ये आपने चार्ट का टाइटल सेट कर दिया किस फंक्शन में टाइटल फंक्शन में वहीं आप यूज करोगे अब एक्स और वाई लेबल सेट करना है तो पीएलटी डॉट एक्स लेबल अगेन आप यहाँ पे एक्स लेबल सेट कर दो फ्रूट नेम एक्स लेबल पे फ्रूट नेम डिस्प्ले होंगे ठीक है इसी तरीके से पीएल टी डॉट वाई लेवल पे क्या करोगे आप प्राइस uh, सेट कर दोगे तो वाइलेबल प्राइस से शो हो जाएगा ठीक है एक्स टिक्स वाई टिक्स का भी यूज कर सकते हो यदि टिक्स भी शो करवाना है नाउ अब आपको प्लॉट शो करवाना है है ना बार चार्ट शो करवाना है तो पीएलटी डॉट शो फंक्शन का यूज करोगे जिससे आपका जो चार्ट है इस तरीके से विजिबल होगा वहीं पे यदि आपको इसको सेव करना है फॉर फ्यूचर यूज सो पी एल टी डॉट सेव फिग फंक्शन का यूज करोगे और यहाँ पे आपको फाइल का नाम दे देना है फ्रूट डॉट जेपी जी तो इस पर्टिकुलर फाइल में ये सेव फिग फंक्शन की मदद से फाइल आपकी सेव हो जाएगी सो दिस इज दी होल कोड फॉर क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ बार चार्ट ओके अंडरस्टैंड नाउ नेक्स्ट अप डिस्कस करते हैं इसके और वाला क्वेश्चन अगर ये सही लिखकर आए हो तो होप आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और कोई बहुत टिपिकल नहीं था मैट प्लॉट लिप के बार चार्ट क्रिएट करना है बताया था, था लाइन चार्ट के, के अलावा अभी तक कोई सा भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बार चार्ट लाइन चार्ट और ज्यादा से ज्यादा स्कैटर चार्ट इसके अलावा आपसे एग्जाम में तीन, इसके अलावा कोई से भी चार्ट के बारे में नहीं पूछा जाता है भले ही हमने इंस्टोग्राम पाई चार्ट और बॉक्स प्लॉट चार्ट डिफरेंट चार्ट को डिस्कस किया हो ओके बट एग्जाम में क्या पूछते हैं बार और लाइन चार्ट और उसी के क्वेश्चन आपको अभी भी दिख रहे हैं सो so, जैसे मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन उठ उठ के आए हैं आपके पेपर में ओके राइट सो टेबल पाइथन कोड टू ड्रॉ दी फॉलोइंग लाइन चार्ट अब ये लाइन चार्ट आपको बनाना है सीओ टू इमिशन का लाइन चार्ट मतलब चार्ट का जो बेसिकली हम बात करें चार्ट का जो टाइटल है वो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन हो रहा है आजकल है ना एनवायरमेंट में उसके लिए जिसमें एक्स एक्स वाई वाई आपको आपको सेट सेट करना करना है करना है राइट right? तो तो अब इस चार्ट को आप यदि ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ये सारी चीजें शो होंगी आ, as on X axis, मतलब मंथ नेम और परसेंटेज ऑफ सीओ टू इमिशन यहाँ पे वाई एक्सेस पे आपको परसेंटेज शो होगा चार्ट का टाइटल भी आपको इस तरीके से दिख रहा है क्लियर और लाइन चार्ट कुछ इन पॉइंट पे क्रिएट हो रहा है तो ये पॉइंट्स भी देख लो ध्यान से किन पॉइंट्स पे क्रिएट हो रहा है फाइन आल्सो गिव सूटेबल पाइथन कोड टू सेव दिस चार्ट अब इस चार्ट को क्रिएट करने के लिए कोड लिखना है और कोड लिखने के साथ-साथ आपको उसको कैसे सेव करोगे तो सेव करने के लिए क्या कमांड होगी वो भी लिखना है सो so अगेन आपको क्या कर लेना है भाई सबसे पहले तो मैं हम इंपोर्ट कर लेंगे किसे मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी को मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया मैट प्लॉट लिब डॉट पाइलट एस पी एल टी ठीक है नाउ अगेन अब आपको क्या करना है दो डेटा तो चाहिए होंगे मतलब दो एरेज चाहिए होंगे एक वन फॉर एक्स एक्सिस एंड वन फॉर वाई एक्सिस तो सपोज मैं एक्स एक्सिस पे मंथ नाम से एक एरे क्रिएट कर देती हूँ जिसमें मैंने मंथ नेम तो शो कर दिए लाइक अप्रैल एक लिस्ट बना दी मैंने है ना अप्रैल मई ठीक है जितने मंथ यहाँ मेंशन किए उनके लिए मैंने एक लिस्ट यहाँ क्रिएट कर दी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अब सेकंड हमें परसेंटेज के लिए एक और बनाना है तो पी आर नाम से एक एरे क्रिएट कर लिया जहाँ परसेंटेज बन रहा है फोर्टी फिफ्टी थर्टी सिक्सटी तो फोर्टी फिफ्टी थर्टी सिक्सटी और लास्ट इज दी सो ये चार पांच वैल्यूज है चार पांच मंथ्स के लिए परसेंटेज है वो वैल्यू हमने बना ली ठीक है तो यहाँ पे ये तो दो डेटा हो गए जिसके बेसिस पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पॉइंट बन जाएंगे ना हमें बनाना कौन सा चार्ट है अब मैम लाइन चार्ट तो लाइन चार्ट बनाने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं प्लॉट का तो पी डॉट प्लॉट फंक्शन प्लॉट फंक्शन में लाइन की सेट कर सकते हो लाइन का कलर सेट कर सकते हो आर ये बात समझ में अच्छे से तो हम लाइन चार्ट बनाने के लिए डेटा दे देते हैं मंथ और पर per, परसेंटेज को है ना बाकी सारी चीजें डिफॉल्ट होती हैं यदि आपको इसका लाइन कलर वगैरह दिया रहता तो आप इनके लाइन कलर मार्कर स्टाइल मार्कर का एज कलर एवरीथिंग यू कैन सेट बाय दी पैरामीटर्स बट ऐसा कुछ भी नहीं पूछा सिंपल इस तरीके का चार्ट बनाने को कहा है

प्लॉट को शो क्या करवाना है अब आपको शो करवाना है तो शो मेथड कॉल करोगे जैसे तो इस तरीके का चार्ट बन जाएगा सेव करवाना है तो पी एल टी डॉट सेव फिग सेव फिग फंक्शन का कॉल कर लोगे तो आपका चार्ट क्या आ जाएगा सेव हो जाएगा इमिशन डॉट पीएनजी यहाँ पे पास कर देना सेव फिगर में क्योंकि इस पर्टिकुलर फाइल में आपको सेव करना है सो इमिशन डॉट पीएनजी में आप सेव करने वाले राइट सो दिस इज होल कोड ऑफ क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ प्लॉट सो कुछ ही मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन थे जो कि होते हैं, अच्छे पूछे जाएंगे, से सिर्फ वही होंगे ये भी कहा था कि मेट्लॉटलिप लाइब्रेरी वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे सिर्फ आखिरी में एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी ग्राफ चार्ट बनाने के लिए कोड दिया रहेगा तो आउटपुट बता दो अदरवाइज आपको कुछ डेटा दे देंगे और चार्ट बनाना रहेगा तो आए वैसे ही क्वेश्चन है ना जी चलिए तो यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा आंसर कीज वाला सेशन होप यू विल इन्जॉय दिस सेशन और सबसे पहली बात ये कि आपने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे कुछ भी गलत नहीं करके आए होंगे ये छोटी मोटी माइनस ही कोर्ट में मिस्टेक हो भी गई होगी कुछ एसपीएल क्वेरी में मिस्टेक हो भी गई होगी तो ज्यादा मार्क्स आपके कट नहीं होने बाय द वे पेपर बहुत ईजी था होप आप सभी ने बहुत अच्छे से किया होगा सो डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट रिजल्ट भी बहुत ही बेस्ट आएगा सो so मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में टिल स्टे देपी थैंक यू सो मच